हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रभा और आज हम बनाएंगे व्रत वाली नमकीन। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए मैंने काजू लिए हैं, बादाम इसे मैंने कट करके ले लिए, नारियल, किशमिश, साबूदाना, यहाँ मैंने बड़े वाले साबूदाना लिए, मखाना, मूंगफली। मैंने तेल पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसे एक साबूदाना डाल के चेक कर लेंगे। तेल हमारा बिल्कुल तैयार है फ्राई करने के लिए। साबूदाना डाल के इसे साबूदाना को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, इसे लो फ्लेम पे फ्राई करना है। सारी साबूदाना फूल के ऊपर आ गई है। अब इसे हल्का सा कलर चेंज होते तक फ्राई करना है। ये देखिए, अब इसे एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। बाकी बचे हुए साबूदाना भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे सबसे बड़ी वाली जो साबूदाना होता है उसका इस्तेमाल किया है। अब उसी तरह मूँगफली को भी फ्राई कर लेंगे। इसे फ्राई करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, कुछ ही समय लगे। देखिए, ये फ्राई हो गया है। अब इसी तरह बादाम को इस तरह इसमें डाल के इस तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, ये देखते ही देखते फ्राई हो जाता है। ये देखिए, अब इसी तरह काजू को भी फ्राई कर लेंगे। काजू और बादाम जो है पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी, मैं यहाँ डाल रही हूँ। अब इसी तरह नारियल के स्लाइसेस को भी फ्राई कर लेंगे। मैंने नारियल की पत्ती पतली स्लाइस की हुई है। ये नारियल फ्राई हो गई। अब इसे भी टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल टिश्यू पेपर पे चला जाए। ये देखिए, हमने सारे टिश्यू पेपर पे निकाल लिए। अब ये बचे हुए तेल हम ट्रांसफ़र कर लेंगे दूसरे बर्तन पे और उसी कढ़ाई पे 2 चम्मच घी डाल के हम मखाने को भी फ्राई कर लेंगे। देखिए इस तरह से, इसे फ्राई करने में 2 से 3 मिनट लगेंगे। इस तरह से हाथों से दबा के देखिए, ये बढ़िया से क्रंची हो चुकी है। मखाने हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे जो हमने फ्राई करके रखा हुआ है। ये हमने साबूदाना डाल दिया, ये मूंगफली। ये देखिए, आप आवाज़ से ही समझ सकते हैं कि कितनी क्रंची है सारी चीज़ें हमारी। ये काजू और बादाम, नारियल, मखाना, और ये किशमिश डाल देंगे इसमें, और ये काली मिर्च का पाउडर स्वाद के लिए, और ये व्रत वाला नमक। अब सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। आप इसमें और कोई मसाला ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। आप व्रत में जो भी मसाला खाते हैं, यूज़ करते हैं। ये देखिए, हमारी नमकीन बढ़िया से तैयार हो गई है। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।